विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में आज ये सभा का मंच पर बैठे हुए सभी साथियों, सामने बैठे हुए सभी जनसंगठनों से आए हुए साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण आयोजन है उसका महत्व पूरी दुनिया में है। और जैसा कि शुरू में ही मन्नाराम जी ने कहा कि हम लोग विश्व के एक नागरिक की हैसियत से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि अगर 1920 में पासपोर्ट एक्ट नहीं बनता और लोगों की आवाजाही आसान होती तो कैसा होता। आप कल्पना कीजिए कि हम विश्व के नागरिक के हैसियत से सोचेंगे तो कई सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये चीन है, ये अमेरिका है, और ये बात सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक नागरिक की हैसियत से ये सोचते हैं कि दुनिया कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, दुनिया में कैसे शांति कायम की जा सकती है, दुनिया के वातावरण को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो ये जो मुख्य बात है जो आज आई है हमारे सामने, और पिछले कई दिनों से हमारे विभिन्न जनसंगठनों के साथी लोग इस पे विचार कर रहे थे। एक यूक्रेन युद्ध की बात बार बार आ रही है और किस तरह से नाटो की शक्तियां और रूस लड़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं। इससे आगे एक और खतरा जबरदस्त रूप से हमारे ऊपर मंडरा रहा है और जिसमें हमारे देश के शासक भी कठपुतली जैसे बने हुए हैं। आप अगर अमेरिका पर ध्यान दें तो वो दो चीज का इस वक्त सबसे ज्यादा विरोधी है। एक मुसलमान आतंकवादी है, दूसरा चीन दुनिया में सारी गड़बड़ कर रहा है। और ये बात सबसे ज्यादा पसंद किसको आती है कि मुसलमान जो है वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं इसराइल को। तो ऐसी स्थिति में इसराइल और अमेरिका का खुला कठपुतला हमारा देश बनता जा रहा है और आगे के संकट हमारे सामने हैं। और इसके लिए शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, दूसरे विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, पर राफेल खरीद रहे हैं, ड्रोन खरीद रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कि एक आदमी तो भूखे मर रहा है, उसके घर पर तो खाने को नहीं है और वो AK-47 खरीद रहा है और सोच ये रहा है कि पड़ोसी से झगड़ा है। तो साथियों, इस तरह के वातावरण में हम जी रहे हैं और इस सब पर हमारा ध्यान ना जाए इसके लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। मणिपुर में आप देख ही सकते हैं कि दो समुदायों को आपस में लड़ा के और गृह युद्ध की स्थितियां पैदा करके तमाशबीन बनी हुई है सरकारें, और ये पूरी दुनिया की सारी सरकारों की स्थितियां हैं। ऐसे में हम ये बात बहुत साफ सोचना चाहिए और सोच रहे हैं कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी भी है और प्राकृतिक प्राणी भी है। समाज की जो सुरक्षा है उसके विरुद्ध जो शक्तियां हैं और प्रकृति जिसपे हम निर्भर हैं उसके विरुद्ध जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों के विरुद्ध हमको नीचे के स्तर से लगाकर विश्व स्तर तक संकेत होना पड़ेगा। ये बात सभी साथियों ने कही है लगभग, और इन आसन खतरों के बारे में हमको लगातार सोचने की जरूरत है। मैं सभी साथियों को, हमारे नागरिक और जनसंगठनों का जो मंच है उदयपुर का, उस मंच की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूं। जिन साथियों ने खुलकर सामने आकर काम किया उनको भी, और जो पीछे से पूरी मदद करते रहे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनको भी हमारे मंच की तरफ से, और सभी मेहमान जो आए उन सभी को, और आप दूर दूर से आए उन सभी को हमारे मंच की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम ज्वाइंट प्रोग्राम्स करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहेंगे, और हम यहाँ की समस्याओं को भी लेंगे और दुनिया की समस्याओं को भी लेंगे और दोनों के संबंधों को भी समझते जाएंगे। मानवता के लिए भी काम करेंगे, प्रकृति के लिए भी काम करेंगे। और जो दूसरी जगहों से जो भी साथी आए हैं, जिसमें राजसमंद है, खैरवाड़ा है, या और भी जगहों से जो साथी आए हैं, कुराबड़ है, बम्बोरा है, उनको विशेष धन्यवाद
हम देते हैं कि इस कार्यक्रम में आए और आगे भी आते रहेंगे, ये उम्मीद है। धन्यवाद सबको मंच की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हो गया खत्म, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ओके।